हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय किचन। मैं हूं नेमत और आज मैं बना रही हूं बिरयानी। बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ये बिरयानी बनाने वाली हूं, बहुत झटपट और रेगुलर मसाले के साथ। आमतौर से जब हम बिरयानी बनाते हैं तो बिल्कुल थक जाते हैं, यानी खाने से पहले ही हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में ये बिरयानी बना रही हूं। सिर्फ 250 ग्राम चावल से ये बिरयानी बनेगी। इसमें रेगुलर मसाले ही यूज़ होंगे, लेकिन एक ख़ास मसाला भी है जिसे आप वीडियो के बीच में देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहें, मसालों को नोट्स करें, स्टेप्स को फॉलो करें, बनाने के बाद इसे खाएं और खिलाएं। अगर पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त से मिल जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक खुले मुंह का कुकर फ्लेम पर रखा है, जिसमें 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल और 1 टेबलस्पून मैंने घी इस्तेमाल किया है। घी के इस्तेमाल करने से बिरयानी में टेस्ट बढ़ जाता है। अब जैसे ही ये गरम हो, इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कतर कर डाला है और इसे लगातार चलाते हुए गुलाबी करना है। जैसे ही इसमें रंग आ जाता है, 1/2 kg धुला हुआ मटन इसमें डाल दें और प्याज के साथ इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक तेज फ्लेम पर भून लें। ऐसा करने से गोश्त सोंधा हो जाएगा और इसकी आउटर लेयर जो है वो क्रिस्प हो जाएगी और इसका जो पानी है वो भी जल जाएगा। इसके बाद ही जैसे ही आपको लगे कि गोश्त तला जा चुका है, तो यहाँ पर 2 बड़े टमाटर को चॉप करके डालें और उसका स्किन ज़रूर हटा लें। अब कुछ पाउडर मसाले हैं, जिसमें धनिया, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और नमक है। ज़ीरा पाउडर भी मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें और गरम मसाले की रेसिपी भी वहीं मिलेगी। जी हाँ, ये ख़ास मसाला है, 1 टेबलस्पून भर कर शान का बिरयानी मसाला। ये मसाला यूज़ करने से हमारी मेहनत भी कम हो जाती है और एक बहुत ही खुशबूदार सा इसमें टेस्ट भी आ जाता है। अब सारे मसालों के साथ, टमाटर के साथ गोश्त को अच्छी तरह से तल लें। इतनी अच्छी तरह से तलें कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो थोड़ा गल जाए। यहीं पर हम 1 टीस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। अब इन मसालों के साथ भी गोश्त को तलना है और लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये सोंधा हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को भूनते हुए कम से कम 4-5 मिनट का वक्त तो लग ही जाना है। तो अब यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून भरकर दही डाला है। दही से इसमें मसाला भी होगा और दही गोश्त को गलने के बावजूद टूटने नहीं देता है, संभाल कर रखता है। तो दही के साथ गोश्त को अच्छी तरह से भून लें। कुछ हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और पुदीना भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब इन चीज़ों के साथ आप गोश्त को खूब अच्छी तरह से भून लें ताकि दही मसाले में अच्छी तरह से मिल जाए। और दही के भून लेने से, लगातार चलाने से दही फटता नहीं है, वरना ये अलग अलग हो जाएगा। तो अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हमें गोश्त को प्रेशर कुक करना है और यहाँ पर इसके गलाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है, जो कि इस गोश्त के लिए सफिशियंट है। आप अपने गोश्त के टेंडरनेस के हिसाब से इसमें पानी का इस्तेमाल करें। बस ख्याल ये रखना है कि गलने के बाद इसमें कम से कम 1 से 1.5 कटोरी पानी बचा रहे और गोश्त को 80% तक गला लेना है। देखिए, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और मैंने इसे लगभग 20 मिनट प्रेशर कुक किया है। अब आधे गोश्त को मुझे निकाल लेना है और 250 ग्राम गोश्त से हमारी बिरयानी तैयार होगी। तो ये मैंने आधा गोश्त निकाल लिया है, अलग कर लिया है। अब यहाँ पर मैं पुदीना की सूखी हुई पत्तियों का पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास फ्रेश पुदीना नहीं है। अब यहाँ पर उबले हुए चावल की लेयर लगानी है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम देहरादून बासमती चावल इस्तेमाल किया है। चावल का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है, वरना चावल गीला हो जाता है, टूट जाता है। ये चावल जल्दी टूटता नहीं है और गीला नहीं होता। तो अब इसमें
एक चम्मच, बड़े चम्मच से एक चम्मच पानी इस्तेमाल करें, जो कि चावल का ही पानी है। अगर आपके गोश्त में पानी ज़्यादा बचा हुआ है तो इस पानी को डालने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर रंग का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने केवड़े में घोलकर रंग को रखा था, और यहीं पर थोड़ी सी घी और कैरामलाइज्ड अनियन भी डाल दें। अब कुकर को बंद करके 10 से 12 मिनट तक इसे दम पर रखें। लीजिए, बिरयानी तैयार है, अब इसे एंजॉय करें।